आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 कार जो आपको टाटा की टियागो खरीदने पर मजबूर कर देंगे। इस कार की कुछ चीजें इसे दूसरी कारों से अलग हटकर बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और वीडियो देखने के पश्चात यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो शुरू करते हैं। टियागो खरीदने का पहला कारण है मेरे जिगरी दोस्तों, यदि आपको कार तेज चलाने का शौक है तो आपको इस सेगमेंट की और गाड़ियों को छोड़कर टाटा की टियागो पर जाना चाहिए, क्योंकि यह कार हाई स्पीड पर बहुत अधिक स्टेबल रहती है। हाई स्पीड पर यह कार सड़क से चिपक कर चलती है। तेज स्पीड में भी यह कार आपके कंट्रोल में रहती है, आपके कंट्रोल से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है। इसके स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही गजब की है, जो आपको हाई स्पीड पर कार चलाने का एक अलग ही मजा देती है। तो दोस्तों, अधिक स्पीड में कार चलाने का शौक है तो आप बेशक टियागो पर जाइए। टियागो खरीदने का दूसरा कारण, इस कार का म्यूजिक सिस्टम। आपको तेज कार चलाते समय तेज म्यूजिक सुनने का शौक है तो भाई ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही बनी है। इस कार के म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी गजब की है भाइयों। इस कार में आपको 8 स्पीकर वाला हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो एक बेहतरीन साउंड क्वालिटी आपको देता है। तेज साउंड होने पर भी ये आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं करता है। इस तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। आपको गाने सुनने का शौक है तो आप बेशक इस गाड़ी पर जा सकते हो। तीसरा कारण है मेरे दोस्तों, आपके परिवार की सेफ्टी। इस कार को NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार मिले। यह कार आपको हर तरह की कंडीशन में अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है। तेज स्पीड में चलते समय यह गाड़ी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखती है। इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में आपको यह सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको आपकी फैमिली प्यारी है तो आपको इस कार पर जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा कारण है स्मूथ राइडिंग। भारतीय सड़कों पर छोटे मोटे गड्ढे तो हमेशा मिलते ही रहते हैं। इस कार का सस्पेंशन भारतीय सड़कों के अनुसार ही बनाया गया है, तो भाइयों कार में छोटे मोटे गड्ढों का तो पता भी नहीं चलता। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी में आपको इतना अच्छा सस्पेंशन नहीं मिलेगा। तो आपको कार खड्डों में चलाने की आदत है तो आप इस कार पर जा सकते हो। पांचवा कारण है इस कार का माइलेज। भाइयों, इस कार का जो माइलेज इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है। कंपनी इस कार का 23.84 KMPL का माइलेज क्लेम करती है। वास्तव में यह कार इससे भी ज्यादा माइलेज दे देती है। यदि आप इस कार को हाईवे पर स्पीड लिमिट के अंदर चलाते हो तो यह कार आपको 25 KMPL तक का माइलेज आसानी से दे देती है, और सिटी में 14 से 15 तक का माइलेज दे देती है। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां मुझे नहीं लगता इतना माइलेज देती होगी। आपको माइलेज वाली गाड़ी चाहिए तो आप आंख बंद करके टियागो पर जा सकते हो। यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। छठवां कारण है दोस्तों, इस गाड़ी की कीमत। इस कार की एक्स शोरूम प्राइस 4,17,000 से शुरू होकर 6,12,000 रुपए तक जाती है। इस प्राइस में आपको इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां टियागो जितने फीचर नहीं दे पाती है। कहने का मतलब मेरे जिगरी दोस्तों, आपको कम प्राइस में ही फीचर लोडेड कार मिल जाती है। और इसी प्राइस में आपको इस कार के अंदर 1198 cc का रेवट्रॉन का एक पावरफुल इंजन मिलता है। तो कहने का मतलब फुल पैसा वसूल गाड़ी है टाटा की टियागो। भाई दोस्तों, सातवां कारण है, आपके पास पैसा कम है और आपको चाहिए लग्जरी कार जैसा मजा, तो आप इस टियागो का टॉप मॉडल XZ+ ले लो, जो कि आपको 6,12,000 एक्स शोरूम प्राइस मिल जाता है। दोस्तों, ये टॉप मॉडल अंदर से आपको एक लग्जरी कार की फीलिंग देता है। इस कार का इंटीरियर बहुत ही शानदार है। इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में इसी प्राइस में आपको लग्जरी कार जैसा अनुभव नहीं मिलेगा, तो कम पैसों में आप इस गाड़ी में लग्जरी कार का मजा उठा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आठवां कारण है इस कार का कम्फर्ट। भाइयों, मुझे इस कार की जो सीटें हैं बहुत ही आरामदायक लगी। यदि आप इस कार को नॉन स्टॉप 200 या 300 किलोमीटर तक भी चलाते हो तो भी आपको इस कार में थकान का अनुभव नहीं होता है। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से आपको इस कार में बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, तो आपको लो प्राइस में इस कार में बहुत ही आरामदायक सीटें मिलती है। नवा कारण है इस कार की लुकिंग। इस कार की लुकिंग के बारे में सभी के अलग अलग विचार, परंतु दोस्तों मुझे इस कार की फ्रंट लुकिंग बहुत ही शानदार लगी। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से यह गाड़ी बहुत ही ज्यादा मेच्योर लगती है। आप लोगों को इस कार की लुकिंग कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और लास्ट दसवा कारण है दोस्तों, इस कार की रिसेल वैल्यू। तो दोस्तों, बात करें इस कार की रिसेल वैल्यू की, तो सन 2020-21 में इस कार की रिसेल वैल्यू मारुति व हुंडई कार से थोड़ी सी कम है, लेकिन जिस तरह से यह कार भारतीय लोगों को पसंद आ रही है, मुझे लगता है भविष्य में यह कार रिसेल वैल्यू में समान सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, इन 10 कारणों के अलावा कोई और कारण है जिस कारण हम इंडियंस को यह कार खरीदनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।